जब उसने गोली चलाई तो यहाँ पर पर्स में 5-5 रुपए के कुछ सिक्के भी थे। जब गोली जाकर के सिक्कों पे टकराई तो मुझे भी आभास हुआ कि तो मर गया हूँ। पाकिस्तान का दूसरा सैनिक आया, उसने आकर के मेरा AK-47 उठाया और वापस मुड़ा तो उसका पैर मेरे पैर से टकराया हो। तब मुझे लगा कि यार मैं तो जिंदा हूँ। तो बच्चन साहब ये बात है 1971 की, जब भारतीय सेना को सैनिकों की सख्त ज़रूरत थी। मेरे कर्नल ने मेरी पोस्टिंग बॉर्डर पे कर दी। जब मैं वहाँ पे पहुँचा, मुझ पर सबसे पहला जो हमला हुआ, पाकिस्तानी सैनिकों ने रॉकेट लॉन्चर मुझे यहाँ मारा। यहाँ आप देख सकते हैं, मुझे यहाँ पे निशान भी है। बस भगवान की कृपा से मैं तो बच गया और मेरी बीवी की दुआ भी थी। उसके बाद मुझ पर हमले होते रहे। एक बार तो पाकिस्तानी सैनिकों ने मेरी टांग पे मिसाइल मारा, तो जैसे ही टांग में मारा ना, मैंने टांग ऐसे ऊपर कर दी तो मिसाइल सीधा आगे मेरी चप्पल पे लगा। भाटा की चप्पल थी, नहीं ली थी मैंने, पर चप्पल तो टूट गई पर मैं बच गया। वैसे मेरी बीवी की दुआ है। और उस जंग पे मुझ पर कम से कम 4,000 से 5,000 हमले हुए। विंग कमांडर अभिनंदन, आप भी तो गए थे पाकिस्तान, तो कैसा था पाकिस्तानी का व्यवहार? ट्रिप वॉज गुड बट टी वॉज फैंटेस्टिक। अच्छा खैर, उसके बाद मेरी पोस्टिंग हुई कारगिल 1999। मैं था और मेरे साथी थे। पाकिस्तानी सैनिकों को लगा कि ये मर चुके हैं, तो उनका एक पाकिस्तानी कमांडर था, उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इनको रीचेक करो, इनमें से कोई ज़िंदा तो नहीं है। तो कुछ पाकिस्तान सैनिक आए और हमारे सैनिकों में गोलियां दागने लगे। तो बच्चन साहब मैं मर चुका था, पर इतना नहीं मरा था कि वो देख ना सकूँ या सुन ना सकूँ। उनके सैनिक आए और हमारे सैनिकों में गोलियां दागने लगे और डेड बॉडी ऐसे उछलती है ऊपर करके। मेरे सामने वाले को मारा, मेरे बगल वाले को मारा, मैं भी उनकी तरह ऐसे ही पड़ा हुआ था। उसने सबसे पहले आके मुझे यहाँ 10-12 गोलियाँ मारी, फिर उसके बाद मेरी टांग में 10-12 गोलियाँ मारी। मैं तो देख रहा था ऐसे धुआं निकल रहा है। बस मेरी बीवी की दुआ है कि मैं चुपचाप पीड़ा को सहता रहा। जब उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई ज़िंदा नहीं, तो वो आगे हिंदुस्तान की पोस्ट पर कब्ज़ा करने के लिए निकल गए। तो मैंने जैसे ही ऐसे आँख खोल के ऊपर देखा तो मेरे ऊपर पाकिस्तानी आर्मी का हेलीकॉप्टर मंडरा रहा था। मैंने देखा मेरी तो गोलियाँ ख़त्म हो गई, तो मैंने जेब से गोलियाँ निकाला और ऐसे खींच के जैसे ही छोड़ा, हेलीकॉप्टर नीचे। पाकिस्तानी कमांडर को शक हो गया कि इनमें से कोई ज़िंदा है, तो उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाके रीचेक करो। तो पाकिस्तानी सैनिक आए और हमारे सैनिकों में फिर से गोलियां दागने लगी। पाकिस्तानी सैनिक आया और उसने गन मेरे यहाँ पे रखी। मुझे भी आभास हुआ कि अरे अब नहीं बचूंगा। और कहते हैं जाखो रखे साइयां, मार सके ना कोई। तो उस वक्त मेरी जेब में 5-5 रुपए के सिक्के भी थे। तो जैसे ही गोली जाके सिक्कों पे टकराई, पाकिस्तानी सैनिक को लगा कि मैं मर चुका हूँ, पर मैंने जैसे ही आंखें खोल के देखी तो मैं तो जिंदा हूँ। बस ये मेरी बीवी की दुआ है कि मैं बस आज तक ऐसे चल रहा हूँ। वाह वाह वाह, हम हिंदुस्तानी ऐसे सिक्के रखते ही नहीं, जान ना बचा सके। वाह क्या बात, भगवान की कृपा। मैं तो अरे मुझे चुप तक में कुछ नहीं हुआ, बीवी कुछ नहीं हुआ, भगवान की कृपा। मैं तो बच गया, बस मेरी बीवी की दुआ थी कि मुझे कुछ ना हुआ, शायद थी। तो आगे जो हिंदुस्तान की पोस्ट थी उस पर कब्जा करने के लिए निकल गया, तो कट गए। तो इसलिए बस सही आया, जेब से गोलियां निकाला, ऐसे निशाना करके जैसे ऊपर मारा, हेलीकॉप्टर नीचे। पाकिस्तानी कमांडर को शक हो गया कि इनमें से कोई जिंदा तो नहीं, तो उसने अपने कपड़े उतारे।